आखिर क्यों एक वफादार शेर अपने ही जानवरों को मारने लगा और बनता है अपने ही प्रजा का दुश्मन। एक जंगल में रघु नाम का एक शेर अपने सेवक चीता के साथ रहता था। रघु शेर अपनी प्रजा को कभी किसी मुसीबत में नहीं देख सकता था, वो उनका हमेशा ख्याल रखता था। लेकिन एक बार भालू और उसका दोस्त गोरिल्ला नदी से पानी पीकर आ रहे थे, तभी रास्ते में वो देखते हैं कुछ जानवर बीच रास्ते में मरे पड़े हैं। उनको देख उन दोनों के पैरों से जमीन खिसक जाती है। अरे दोस्त, ये सब किसने किया है? आखिर इतनी बेरहमी से कौन जानवरों का शिकार कर सकता है? चलो चलो भाई, हम ये बात चलकर महाराज को बताते हैं। तब वो दोनों जल्दी से महाराज रघु के पास जाते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। ये सुनकर रघु भी बड़ा परेशान हो जाता है। सुनो भाइयों, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इसका पता निकाल लूंगा ये सब किसने किया है। जाओ तुम आराम से अपने घर जाओ, मैं कुछ करता हूँ। तब चीता के साथ मिलकर रघु उस खूनी को पकड़ने की योजना बनाता है और एक पेड़ के ऊपर एक पिंजरे को टंगा देता है और उसके नीचे कुछ मांस को रखकर दूर जाकर छिप जाते हैं। कुछ देर में वो खूनी शेर जिसने जानवरों को मारा था वहां आ जाता है और जैसे ही वो मांस खाने लगता है वो पिंजरा उसके ऊपर गिर जाता है, जिसमें वो पूरी तरह से फंस जाता है। तब रघु और चीता उस शेर के पास जाते हैं और कहते हैं, अच्छा तो तू है वो खूनी शेर, अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। फिर रघु उस शेर को बाहर निकाल कर जान से मार देता है और चीता से कहता है, सुनो चीता, तुम सभी जानवरों को गुफा पर इकट्ठा करो, मैं इसको लेकर वहीं आता हूँ। चीता वहां से चला जाता है, लेकिन उस शेर की सांसें चल रही थी। तब वो रघु से बोलता है, रघु शेर, तुमने मुझे मारकर अच्छा नहीं किया, अब भले ही मैं मर जाऊं, लेकिन मेरा जुड़वा भाई तुम्हारे जंगल के जानवरों को मार देगा और तुम्हें कभी खुश नहीं रहने देगा। वो ये बात कहकर वही अपनी सांसें तोड़ देता है। तब रघु उसे उठाकर अपनी गुफा में ले जाता है। सुनो भाइयों, जानवरों का शिकार करने वाला वो यही दुष्ट शेर था, मैंने इसको अपने जाल में फंसाकर मार डाला, अब तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। तब सभी जानवर चैन की सांस लेते हैं, लेकिन रात होने पर उस खूनी शेर का जुड़वा भाई भी आ जाता है और जंगल में निकलकर बहुत से जानवरों का शिकार करने लगता है। और सुबह होते ही जानवर देखते हैं कि आज फिर से किसी ने जंगल के कुछ जानवरों को जान से मार रखा था। ये सब देखकर वह बहुत परेशान हो जाते हैं। भाई गोरिल्ला, मुझे लगता है ये सब राजा रघु का ही काम है। नहीं नहीं भालू, राजा रघु कभी ऐसा नहीं कर सकते, वो बहुत वफादार है, चलो उनके पास चलते हैं। तब वो दोनों राजा के पास जाते हैं। महाराज, फिर से कुछ जानवर जंगल में मरे पड़े हैं। रघु शेर मन ही मन में सोचता है, लगता है उसका जुड़वा भाई इस जंगल में आ चुका है, मुझे जल्दी कुछ करना होगा। भाइयों, तुम चिंता मत करो, तुम अपने घर जाओ, मैं देखता हूँ। तब अगली रात वो शेर जैसे ही शिकार के लिए जंगल में आता है, रघु शेर अचानक उसके सामने आ जाता है। अच्छा तो तुझे भी मरने की कुछ ज्यादा ही जल्दी है, कोई बात नहीं, मैं तुझे तेरे भाई के पास भेज देता हूँ। रघु शेर उस पर हमला करके उसे भी जान से मार देता है और
अपने जंगल के जानवरों का विश्वास जीत लेता है।